ज वेलकम टू अदिति मेरा नाम अदिति है और आज आप लोगों के लिए लाई हूँ मैं एक ट्रिक वीडियो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है चाहे वो स्टेटमेंट असर्शन हो स्टेटमेंट इन्फरेंस हो स्टेटमेंट कंक्लूजन हो या फिर स्टेटमेंट अजम्पशन हो सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और समझ में नहीं आता है कि कैसे उन्हें सोल्व करना है तो आप लोगों के यूजीसी नेट के पिछले कुछ पेपर्स मैंने यहाँ पर नोटिस किए और उसी के बिहाफ पर ये ट्रिक है जो यूनिवर्सल ट्रिक है जिसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो तो चार ट्रिक्स आज के इस वीडियो में विद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ तो चलिए पूरा वीडियो देखेंगे और ध्यान से समझेंगे कि कैसे आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हो With example, बाकी अगर आप सभी लोग फॉर टाइम इस चैनल पर आए हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मे कंसिडर सब्सक्राइब इन दिसल क्योंकि इस चैनल पर आप सभी लोगों के लिए पेपर वन और पेपर टू कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सारा कंटेंट यहाँ पर मैं लेके आती हूँ अभी तक मैंने आप लोगों के लिए पेपर वन का काफी कंटेंट डाला है और नेक्स्ट वीक से पेपर टू का भी कंटेंट आप लोगों के सामने आने, आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे हेल्पफुल लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करके कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप सभी लोगों के लिए ये चार रूल जो है रूल नंबर ओनली स्टेटमेंट के अंदर तो आप सब लोग मान लीजिएगा वो हमेशा फॉलो नहीं करते हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्टेटमेंट असरशन स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट इंफरेंस स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेटमेंट अजम्पन ऐसे आप लोगों के पास में क्वेश्चंस आते हैं जहां पर जो आपका किंग होता है वो होता है स्टेटमेंट आपको स्टेटमेंट को हमेशा ही सही मानना है यूनिवर्सल ट्रूथ मानना है उसके बिहाफ पर चाहे इन्फ्लेंस गिवन हो चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो अजम्शन हो असर्शन हो कंक्लूजन हो जो भी हो उसे चेक करना होता है कि वो फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा इम्प्लिस है या इम्प्लिस नहीं है तो उन सभी को करने के लिए आप सभी लोग ये सारे की ढूंढेंगे आपके अजम्पन वाले पार्ट में inference या इन्फ्लेंस या कंक्लूजन वाले पार्ट में उन सभी पार्ट के अंदर अगर आप लोगों को मिले कि ओनली या ऑलवेज जैसी बातें कही जा रही है कि हमेशा ऐसा ही होगा है ना या सिर्फ ऐसा ही होगा या फिर कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन करता हुआ आप लोगों को दिख रहा है तो आप हमेशा से उस वाले कंक्लूजन को इन्फरेंस को या अजम्पन को नॉट फॉलो करेंगे या फिर कह देंगे कि नॉट इम्प्लिसिट हमेशा ये याद रखिएगा ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी दूसरा ट्रिक ये है कि अगर आप सभी लोगों को कभी भी इंफरेंस के अंदर कंक्लूजन के अंदर या फिर अजम्शन के अंदर कभी भी नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव पॉसिबिलिटी जैसे कोई भी स्टेटमेंट मिल जाए तो आप हमेशा से उसे भी नॉट इम्प्लिसिट करेंगे या नॉट फॉलो करेंगे ये हमेशा ट्रू होती है चीजें अगर रूल नंबर इसी का टोटली totally ऑपोजिट है कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव इंपैक्ट या पॉसिबिलिटी वाला स्टेटमेंट दिख जाए तो हमेशा उसे फॉलो करेंगे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ मान लीजिए कि फर्स्ट वाले रूल का हम बात करें तो फर्स्ट वाले रूल के अंदर कह रही हूँ कि फ्यूचर प्रोडिक्शन या ओनली या ऑलवेज ऐसी बातें हो गई है तो आप सभी लोगों से अगर बोला जाए कि जो पिछले दो तीन दिन रहे हैं काफी ह्यूमिड रहे हैं तो Inference आपका ये कह रहा है या कंक्लूजन या फिर ऐसा कह रहा है कि आ, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वेदर कंडीशंस चल रही हैं तो परसों के दिन या कल के दिन जो है वो बारिश हो सकती है क्योंकि पिछले दो तीन दिन से जो है वो ह्यूमिड कंडीशन रही है जैसे आप जानते हैं ह्यूमिड कंडीशन के बाद अक्सर बारिश होती है पर अक्सर होती है फ्यूचर प्रडिक्शन है हम फ्यूचर को लेकर शोर नहीं हो सकते तो वो स्टेटमेंट हमेशा ही कैसे होंगे नॉट इम्प्लिसिड या नॉट फॉलो करेंगे दूसरी चीज अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव पॉसिबिलिटी की तो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट असर्शन हो स्टेटमेंट अजम्पशन हो कभी भी अजम्पशन या 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 असर्शन कंक्लूजन के अंदर कोई भी तरीके की नेगेटिव इंपैक्ट या नेगेटिव पॉलिसी दिख रही हो किसी भी तरीके से किसी को डिफेम करने वाली कोई बात की ही गई करी गई हो चाहे स्टेटमेंट कैसा भी हो आप हमेशा याद रखेंगे कि उसे हम नॉट फॉलो ही करेंगे हमेशा और अगर पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहा हो पॉजिटिविटी की तरफ बात की जा रही हो तो हमेशा उसे फॉलो करेंगे और दो कभी कभी जैसे बैंकिंग एग्जाम के अंदर इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जाता है कैट या बैंकिंग एग्जाम में तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी को थोड़ा और घुमा दिया जाता है बट जितना पेपर मैंने आप लोगों का देखा है नेट में आप लोगों को ये डायरेक्ट ट्रिक काम में आएगी तो इसमें आप हमेशा फॉलो लगाएंगे और सबसे कमाल की और सबसे ही इजी ट्रिक मुझे लगता है कि वो है आप लोगों का ट्रिक नंबर फोर जिसमें अगर कभी भी आपको स्टेटमेंट में दिख जाए या सॉरी अजम्पशन में कभी भी दिख जाए कि यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है जैसे कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है यूनिवर्सल ट्रूथ है राइट right? एडवर्टाइजमेंट कोई दिख जाए या गवर्नमेंट का छोड़ के बाकी जितने भी आपके टाइप ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो सब लोग रियल लाइफ पे एक्सपीरियंस होते हैं या रियल लाइफ पर ही बेस्ड होते हैं वेयर इज अजम्पन और इन्फेरेंस ये रियल लाइफ पर बेस्ड नहीं होते हैं ये खास इन ट्रिक्स पे बने हुए होते हैं जैसे कि ये लास्ट वाले ट्रिक को अगर थोड़ा और इलेबरेट करें तो एडवर्टाइजमेंट या गवर्नमेंट का या प्राइवेट नोटिस आप लोगों के पास में आ गया जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दिया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी हम ओन करते हैं और यहाँ पर हमारी गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते हमारे गेट के बाहर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ हो होता है तो आप लोगों से एजम्पन बोला जाता है कि मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करी और गाड़ी जो है वो उठा के ले गए हैं या मेरे खिलाफ पब्लिक नोटिस निकल गया है तो क्या ये फॉलो करेगा या नहीं फॉलो करेगा हंड्रेड फॉलो करेगा चाहे नोटिस जो है वो सरकारी हो या फिर किसी प्राइवेट का फर्म का हो हमेशा ही आप लोगों के लिए नोटिस मतलब क्या है इंपॉर्टेंट है फॉलो करेगा ही करेगा दूसरी चीज एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को बोला जा सकता है फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिनारियो था एक नया कॉलेज खुलने वाला था और नए कॉलेज के खुलने की वजह से हम लोगों ने नई वैकेंसीज निकाली टीचिंग पोस्ट पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली तो क्या उस वैकेंसीज के लिए आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए इस तरीके का एक स्टेटमेंट इन्फरेंस वाला आप लोगों को कंक्लूजन निकाल के बताना है कि क्या इन्फ्रेंस फॉलो करता है या नहीं अगर आप लोगों के इन्फ्रेंस के अंदर एडवर्टाइजमेंट को लेकर कोई बात की गई है जैसे जो मैंने अभी स्टेट किया है अगर इस तरीके की बातें की गई है कि मैंने यहां पर वैकेंसी देखी और वैकेंसी देखने के बाद में मैंने फॉर्म फिल किया और उसके बाद में मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो क्या ये ट्रू होना चाहिए कि नहीं ट्रू होना चाहिए तो 100 परसेंट ट्रू होना चाहिए जी बिल्कुल फॉलो करेगा या इम्प्लिस होगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि एडवर्टीजमेंट आर मेंट टू बी व्हाट कि किसी चीज को स्ट्रॉन्गली फर्मली प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं और ये हमेशा ही लेजिड माने जाते हैं तो यूनिवर्सल और लेजेड चीजें ये हमेशा से फॉलो करती ही करती है यानी कि अगर ये चार रूल्स आपको समझ में आ गए आप इसे अप्लाई करना स्टार्ट करिएगा मैं गारंटी करती हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोगों के बहुत आसान हो जाएंगे जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप लोग इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर मैंने एक सीनारियो लिखा हुआ है और अगर आप सीनारियो ध्यान से पढ़े तो पैराग्राफ दिया हुआ है जिसे आप लोग अपना स्टेटमेंट मानेंगे और मैंने यहाँ पर चार इन्फरेंस या कंक्लूजन आपको लिख कर दिए हैं तो लाइफ लाइन ऑफ मुंबई इज इट्स ट्रेन नेटवर्क one of the most crowded places in the city a group of commuters of the mumbai suburban railways called for a strike in response to increase in the number of accidents in the route in the past one year due to overcrowding the commuters wanted to continue the strike unless the authorities agree to increase the frequency of the trains in that particular route ये आप लोगों को गिवन है अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है कैसे है वैसे है मुझे तो ये बताना है कि अगर ये स्टेटमेंट गिवन है तो क्या इसके बिहाव पर मैं कौन कौन से इन्फुरेंस को फॉलो करवाऊ की फॉलो नहीं करवाऊ अब आप लोग पॉज करिएगा और जरूर बताइएगा मुझे कि क्या आपका आंसर आया और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा फिर चेक करेंगे कि क्या हम दोनों सेम सोच रहे हैं तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा इन्फ्रेंस यहाँ पर फॉलो करता है इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेन्स वुड लीड टू इन द डिक्रीज इन द सच एक्सीडेंट्स ये यहाँ पर बोला गया है अब मुझे एक बात बताइएगा यहां पर बोला गया है वुड लीड यानी कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाली बात कही है और मैं हमेशा ही बोल देती हूं अगर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाला कोई इंफ्रेंस आ रहा है कंक्लूजन आ रहा है तो हम उसे नॉट फॉलो या नॉट इम्प्लिसिट बोल के आ जाएंगे मैं बिना कुछ करे सिर्फ वुड लीड के बिहाफ पर कैंसिल क्योंकि वुड फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है द ट्रेन इन द मुंबई सर्बन रन ओवर क्राउडेड देखिए यहां पर लिखा हुआ है रन ओवर क्राउडेड ठीक है ना देखिए यहाँ पर एक साल की मतलब जो फैक्ट गिवन है कि पिछले एक साल में ऐसी चीजें हुई है इसके बारे में कुछ नहीं गिवन है इसने तो कह दिया कि ये हमेशा ही ऐसा ही होता है हमेशा ही ऐसा होता है ऑलवेज ये भी आपका कैंसिल ठीक है नहीं नॉट फॉलो द रेलवे अथॉरिटीज आर इन डिफरेंट टू द सेफ्टी ऑफ कम्यूटर्स यहां पर क्या हो रहा है यहां पर डिफेम किया जा रहा है जी किसको अथॉरिटीज को कि कंप्यूटर्स कुछ और सोच रहे हैं अथॉरिटी कुछ और सोच रही है अगेन डीफेमेशन अगर कहीं पर हो रहा है तो कैंसिल यानी बेसिकली मैंने अभी तक रूल नंबर वन लगाया है मैंने लगाया है नेगेटिव वाला इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट डी करने की बात की गई है लास्ट वाले देखिए द रेलवे डिड नॉट इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन द पास्ट वन ईयर और बात ऐसी है देखो पास्ट वन ईयर की बात कही गई थी कि पास्ट वन ईयर के अंदर ओवरक्राउडिंग हुई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिसकी वजह से ये लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं और यहां पर बेसिस ऑन द स्टेटमेंट ही बोला गया है कि अच्छा अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ था इसकी वजह से ये स्ट्राइक पर बैठे हैं और वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि अच्छा इंक्रीज इन्होंने नहीं किया होगा इसकी वजह से स्ट्राइक हो रही है तो बिल्कुल सही यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जो आप लोगों का स्टेटमेंट है या इन्फ्लूस है वो हंड्रेड परसेंट फॉलो करेगा यानी कि अगर मैं इसका आंसर लगा के आऊंगी तो आंसर मैं लगायाऊंगी इसका फोर्थ आप लोगों के दो नंबर और मैं ये कह रही हूँ डिफिकल्ट दो नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप इन चार रूल पर प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चन आप इनपे प्रैक्टिस लगा सकते हो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रही हूँ राइट देखिए यहाँ तो फोर्थ आप लोगों का आंसर हो गया है इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताइएगा कि क्या आप लोगों का आंसर आया उम्मीद करती हूँ कि आज की इस ट्रिक वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रैक्टिस करिए फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पिन करिएगा आप लोगों से मिलूंगी अगली क्लास के अंदर ऐसे ही किसी ट्रिक के साथ में सो so दैट आपके पेपर वन पर मैं आपकी थोड़ी और हेल्प कर सकूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग या कोई सभी पेपर वन के टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो मैं जरूर आप लोगों से उसका भी इस तरीके से कोई आसान ट्रिक होगा तो जरूर शेयर करूंगी फिलहाल के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच वॉचिंग अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन आता है तो लाइक और कॉमेंट करना ना भूलें ओके गाई साइनिंग ऑफ बाय